हेलो एवरीवन, आई एम अक्षय बिस्सा, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज हम बात करेंगे लोपा सर्किट एज इंटीग्रेटर की। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। लोपा सर्किट इज आल्सो नॉन एज इंटीग्रेटर, यानी लोपा सर्किट को इंटीग्रेटर के नाम से भी जानते हैं। द नेम लोपा सर्किट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट पासिस लो फ्रिक्वेंसी रेडिली बट अटेन्यूएट्स हाई फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब होता है कि इसका नाम लो पास सर्किट इसलिए है क्योंकि यह लोअर फ्रिक्वेंसीज को इजीली पास करता है एंड हायर फ्रिक्वेंसीज को अटेन्यूएट करता है। यह है इसका सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम में हमने एक कैपेसिटर यूज़ किया है और एक रेजिस्टेंस यूज़ किया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हाई पास फिल्टर डिफरेंशिएटर की तरह वर्क करता है, जिसमें कैपेसिटर यहाँ लगा होता है एंड रेजिस्टेंस यहाँ लगा होता है। हमने इनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया है। चेंज करने से यह लोपा सर्किट एज इंटीग्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है। हमने पिछली बार भी देखा था कि इम्पीडेंस जो है वो फ्रिक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, इम्पीडेंस डिक्रीज होगा। एफ टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट्स मीन जेड टेंड्स टू जीरो। अगर एफ इन्फिनिटी है तो जेड जीरो होगा। जेड जीरो का मतलब कैपेसिटर वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट। अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें? जीरो। इसका मतलब ये हुआ अगर फ्रिक्वेंसी हाई है तो आउटपुट जीरो मिलेगा। इसी प्रकार अगर फ्रिक्वेंसी जीरो है तो इम्पीडेंस क्या होगा? इन्फिनिटी। दैट मीन्स कैपेसिटर वर्क एज ओपन सर्किट। यानी फ्रिक्वेंसी अगर लो है तो आउटपुट हमें एज ए इनपुट मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से हमें पता है, ये पता चलता है कि हायर फ्रिक्वेंसीज को ये ब्लॉक करेगा एंड लोअर फ्रिक्वेंसीज को ये पास करेगा। इसलिए हमने इसको लो पास सर्किट नाम दिया है। अब ये लो पास सर्किट इंटीग्रेटर की तरह कैसे वर्क करता है ये हम देखेंगे। सो इट इज लो पास सर्किट। वी नो दैट वी नोट इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी एंड क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। हमें पता है आई की वैल्यू होती है डी क्यू अपॉन डी टी। आई इक्वल टू इज डी क्यू अपॉन डी टी। आई इज डी क्यू अपॉन डी टी होता है। दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी यूजिंग इक्वेशन वन। इस इक्वेशन का यूज करेंगे और वी नोट निकालेंगे। q अपॉन सी, q की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? वन अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ i dt। टी वी नो दैट i इज इक्वल टू वी आर अपॉन आर। वी आर इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। i इज इक्वल टू वी आर अपॉन आर, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो v नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन आर सी इंटीग्रेशन ऑफ vi dt। यानी हम देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है? इनपुट वोल्टेज के इंटीग्रेशन के। वन अपॉन आर सी, इफ आर सी इज इक्वल टू वन देन वी नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी आई डी टी। हम यह लिख सकते हैं कि इफ आर सी इज इक्वल टू वन देन वी नॉट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी आई डी टी। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन है। यानी इस सर्किट के इनपुट में हम जो भी वोल्टेज देंगे या जो भी वेवफॉर्म देंगे उसका इंटीग्रेशन होकर के हमें आउटपुट में मिल जाएगा। इसी वजह से हम इसको लो पास सर्किट एज इंटीग्रेटर बोलते हैं। यानी लो पास सर्किट तो यह है ही और इंटीग्रेटर की तरह यह वर्क करता है। यह है इसका गेन। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, यह है इसका गेन, यह है इसकी फ्रिक्वेंसी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से मिलती है। इसका अर्थ होता है कि जो लोअर फ्रिक्वेंसीज है उसको तो ये ब्लॉक करेगा और जो हायर फ्रिक्वेंसीज है उसको ये पास करेगा। यानी हायर फ्रिक्वेंसी पे गेन मिल रहा है जबकि लोअर फ्रिक्वेंसी पे गेन बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह एज अ लो पास सर्किट काम कर रहा है। इसकी एप्लीकेशन बात करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ टू परफॉर्म मैथमेटिकल इंटीग्रेशन। यानी किसी वेव फॉर्म को इंटीग्रेट करना हो, किसी इक्वेशन वोल्टेज इक्वेशन को इंटीग्रेट करना हो तो इसके इनपुट में लेकर आउटपुट देख सकते हैं। टू जनरेट शॉर्टूथ वेवफॉर्म, शॉर्टूथ वेवफॉर्म जनरेट करनी हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड इज़ टू ट्रिगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ट्रिगरिंग सर्किट के रूप में इस सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आउटपुट को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इनपुट में ट्रिगरिंग टर्मिनल पे दिया जाता है, जिससे उनको ट्रिगर मिलता है और वो वर्क करते हैं। इस प्रकार वर्किंग हमारी कंप्लीट होती है लो पास सर्किट एज इंटीग्रेटर की। दिस इज़ द डेफिनेशन, सर्किट डायग्राम, वर्क एज लो पास सर्किट की वर्किंग, वर्क एज इंटीग्रेटर की वर्किंग, दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक एंड दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ लो पास सर्किट एज इंटीग्रेटर। थैंक यू सो मच।